हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ मंजीत। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज एक मैं कुछ नया टॉपिक लेकर आई हूँ अपने गार्डनिंग के रिलेटेड। कुछ स्टैंड मैंने बनवाया है, ये देखिए। तो आज इसी टॉपिक पे मैं बात करूँगी। ये मैंने जो अपनी सीढ़ियाँ बनवाई हैं, मैं दिखा रही हूँ, एक सेकेंड। ये मैंने जिस मटेरियल की ये सीढ़ियाँ बनवाई हैं, तो ये कुछ एक्स्ट्रा मैंने बनवा ली थी, तो ये उसी मटेरियल का ये मेरा स्टैंड मैंने तैयार करवाया है। कुछ एक्स्ट्रा सीढ़ी तैयार करवा ली थी, क्योंकि बाहर गर्मी, बरसात, धूप सब कुछ सह लेता है। मटेरियल का नाम मुझको याद नहीं आ रहा है, मुझको याद आ जाएगा तो मैं पूछ के आपको सामने मेंशन कर दूँगी, सामने स्क्रीन पे। और साथ ही मैंने इसी जो डंडी है उसके ये देखिए स्टैंड लगवा दिए चारों साइड से। तो ये मेरा बहुत हैवी, बहुत मजबूत, परमानेंट मेरा स्टैंड तैयार हो गया है। और इसी तरह से मैंने ये देखिए चार पांच और तैयार करवाए हैं, ये है। और कुछ में जैसे ये चार इसमें मैंने बीच में लगवाए हैं, कुछ में जैसे ये बहुत भारी हो रहा था तो मैंने ये किसी किसी में मैंने ये तीन भी लगवाए हैं, थोड़ा डिस्टेंस देख के कि गमला रखना है तो उस हिसाब से वो उतना वजन वो ले लेगा। तो ये बहुत ही मजबूत और बहुत ही हैवी स्टैंड है, जिसके ऊपर हम लोग अपने इस पर मैं अपने जैसे ये सब बाल्टियाँ या गमले जो भी हम लोग इसमें रखना चाहें रख सकते हैं। इससे स्टैंड का लुक भी आ जाएगा और हमारे गमलों को ज़मीन से टच भी नहीं करना पड़ेगा, करना होगा। और आराम से इसमें देखिए तीन बड़े बड़े साइज़ के ये गमले हैं और तीनों इस पर आराम से सेट भी हो गए हैं। और नीचे से स्पेस भी है साफ़ करने के लिए, तो वो स्पेस भी काफ़ी अच्छी मिल रही है। आप नीचे में सीडलिंग ट्रे वगैरह भी साथ में इसमें रख सकते हैं। तो ये स्टैंड बहुत हैवी है और बारिश, धूप, गर्मी सबको ये सह सकता है और ख़राब भी नहीं होने वाला है लाइफ टाइम। तो ये मेरा स्टैंड आपको कैसा लगा? ये मेरा इलायची का पौधा हो गया, इस पर मैंने इलायची रख दी है, लौंग रख दी है, ये बादाम, ये तीनों। और एक फ्रेंड्स, मुझको आपसे कुछ पूछना था, कमेंट सेक्शन में प्लीज़ अगर आप बताएं ये कौन सा पौधा है, मुझको नहीं पता है। इस पर ये फ्लावर आया है, देखिए ये ब्लू कलर का बहुत ही प्यारा फ्लावर आया है। मुझको इस पौधे का नाम नहीं पता है, अपने आप से ये निकल आया है। अगर फ्रेंड्स आपको कुछ इसके बारे में पता हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझको ज़रूर बताएं, मैं आपके आंसर्स का वेट करूँगी। आपसे एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर देंगे तो आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी, ताकि आप मेरे वीडियोस को सबसे पहले देख पाएंगे। थैंक यू।